हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसटी मोटर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जॉब, दैट इज़ पीएम जॉब, किस तरह किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसमें। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिलेगा आपको इस वीडियो में, जिसमें टोटल 6 पॉइंट कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहला है ओवरऑल क्लीनिंग ऑफ मोटर विद द हेल्प ऑफ एयरलाइन और समथिंग। सेकेंड पॉइंट है स्टेटरी टर्मिनल का इंस्पेक्शन एंड टाइटनेस। थर्ड पॉइंट स्टारलिंक जो है उसका इंस्पेक्शन एंड टाइटनेस। उसके बाद रोटर टर्मिनल का इंस्पेक्शन एंड टाइटनेस। फिफ्थ पॉइंट है स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस का हमें इंस्पेक्शन करना है और टाइटनेस चेक करना है। उसके बाद रिप्लेसमेंट इफ़ रिक्वायर्ड कार्बन ब्रशेस का। और लास्ट पॉइंट है RTD इंस्पेक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, हमारे सामने एसटी मोटर है जिस पे हम लोग पीएम जॉब करने वाले हैं। स्लरी एप्लीकेशन का एसटी मोटर है, इसके लिए इसका कंडीशन थोड़ा डर्टी है, इसे हम क्लीन करेंगे। नीचे में स्लिप रिंग का पार्ट है, उसके बगल में रोटर टर्मिनल, और जो केबल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे वो रोटर कंट्रोलर तक गए हैं। इसके नेक्स्ट अगला पार्ट जो है वो मेन केबल है स्टेटर का, जो एसटी पैनल से आता है। एसटी मोटर में एडिशनल ब्लोअर ब्लोअर रहता है कूलिंग के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ब्लोअर दिए रहते हैं जो वाइंडिंग्स के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। और बैक साइड में स्टार लिंक है, तो इसका भी मेंटेनेंस हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट कवर होंगे। मोटर का नेम प्लेट डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर हुआ है, तो अगले स्लाइड में मैं इसे प्रॉपरली फोटो के साथ मेंशन कर देता हूँ। CG मेक का मोटर है 6.6 KV एंड 3400 kW RPM एंड करंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। आते हैं हमारे पहले प्रोसीजर पे, दैट इज़ ओवरऑल क्लीनिंग। तो यहाँ पे सिर्फ हम मोटर को विद द हेल्प ऑफ एयरलाइन क्लीन करेंगे। नेक्स्ट स्टेटर टर्मिनल इंस्पेक्शन पे आते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। स्टेटर टर्मिनल दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो पहले अपर पार्ट का हम लोग ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। RYB तीनों फेज आप देख सकते हैं। डिफरेंट मेक का जो टर्मिनल कनेक्शन है वो अलग अलग रहता है, तो CG में कुछ इस तरह कनेक्टेड है। किर्लोस्कर मोटर का रहेगा तो वो अलग तरह का कनेक्शन रहेगा, जो कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। इन पार्ट का टाइटनेस होने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको ओपन करेंगे, जहाँ पे केबल कनेक्टेड रहते हैं, और इसको हम लोग प्रॉपर टाइटनेस चेक करेंगे। ST दैट इज़ हाई टेंशन मोटर का हम लोग बात कर रहे हैं, हाई टेंशन सप्लाई का बात कर रहे हैं, तो टाइटनेस बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आप पीएम जॉब करें टाइटनेस कंपलसरी चेक करें। दो रन आए हैं तीनों फेज के लिए, तो उनका प्रॉपर टाइटनेस हम लोग चेक कर रहे हैं इस स्लाइड में। सिमिलरली टाइटनेस होने के बाद कवर को क्लोज करना है और हमारा स्टेटर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार लिंक है, दैट इज स्टेटर के जस्ट अपोजिट साइड में रहता है, तो उसका हम लोग इंस्पेक्शन चेक करेंगे। सेम इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम रहता है जो हमारा स्टेटर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें पहले हम लोग ऊपर वाला टाइटनेस चेक करेंगे, जैसा कि हमने पिछले साइड में किया था टर्मिनल बॉक्स ओपन करने के बाद। CG में एक मोटर में एक एलंकी कंपलसरी है टाइटनेस कंफर्म करने के लिए। ऊपर वाले बॉक्स का टाइटनेस होने के बाद इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बॉटम पार्ट है स्टारलिंक का, उसको ओपन करेंगे। कवर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं सिर्फ एक सॉर्टेड रहता है, जो तीनों केबल्स हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टार, वो सॉर्टेड रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बस बार, कॉपर का बस बार है, उसके साथ सिर्फ तीनों लिंक को सॉर्ट किया गया है। तो इनका सिर्फ टाइटनेस चेक करना है। तो जो इंसुलेटेड सपोर्ट है उसका टाइटनेस भी एक बार कंफर्म कर लें। नेक्स्ट है रोटर टर्मिनल इंस्पेक्शन एंड टाइटनेस। तो जो रोटर के जो केबल्स आते हैं थ्रू स्लिप रिंग्स, उसे हमें चेक करना है। यहाँ पे हमने उसके कवर को ओपन किया। कवर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इंटरनल केबल्स हैं और आउटगोइंग केबल्स हैं टू रोटर कंट्रोलर। तो इंडिविजुअल केबल का टाइटनेस चेक करना कंपलसरी है यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्पैनर
एंड सेफ्टी पीपीज आप चेक करें। टाइटनेस चेक होने के बाद अगर कहीं कोई पार्ट अगर एक दूसरे के साथ टच कर रहा है डिफरेंट फेजेस का, तो वहाँ पे इंसुलेटर आप एक्सटर्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल स्लीव्स दिया जा रहा है, सो दैट एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड रहे केबल और बॉडी के साथ या फिर फेस टू फेस केबल्स के बीच में। सिंस एचडी मोटर है तो जितना प्रिकॉशन ले उतना बेटर है केबल और मोटर डैमेज ना हो, बिकॉज इसका रिप्लेसमेंट बहुत ही एक हेक्टिक जॉब है, बहुत बड़ा काम है। और एक सेपरेट वीडियो मैं डालने वाला हूँ एचडी मोटर कैसे रिप्लेस करते हैं इन केस अगर आपका एग्जिस्टिंग एचडी मोटर डैमेज हुआ है और उसे आपको रिप्लेस करना है नए मोटर से, तो वो वीडियो भी थोड़ा लेंदी रहेगा, बड़ा रहेगा, क्वाइट सून आने वाला है। नेक्स्ट, ये टाइटनेस सब चेक करने के बाद हम कवर क्लोज करेंगे। एलेंकी जैसे हमने बात किया था सीजी में, एलेंकी कंपलसरी है तो एलेंकी लेके ही जाएं आप। कवर क्लोज करने के बाद जो अर्थिंग पार्ट है उसका प्रॉपर ख्याल रखें, बिकॉज लीकेज करंट बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अगर अर्थिंग प्रोवाइड नहीं रहे तो वो ह्यूमन को अफेक्ट करेगा, सो बेटर प्रोवाइड अ प्रॉपर अर्थिंग। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश इंस्पेक्शन। सो जो कार्बन ब्रश का और स्लिप रिंग का जो कवर है उसे ओपन करना क्वाइट ईजी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड सिस्टम है, तो उसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद नेक्स्ट टाइम काम है हमारा उसे क्लीन करना विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर और वैक्यूम क्लीनर। कार्बन ब्रश कंटिन्यूस ऑपरेशन पे रहता है तो रब होता रहता है, सो बेटर है उसे आप रिमूव कर दें, एल्स शॉर्ट लिंक होने का चांसेस रहता है। इस केस में आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश का कंडीशन कैसा है और जो स्प्रिंग उसमें अटैच रहते हैं उनका कंडीशन, उसका प्रॉपर टाइटनेस है कि नहीं है। नेक्स्ट, जो स्लिप रिंग है वो ज़्यादा ग्रूव तो नहीं हुआ, उसमें कुछ माल फंक्शन तो नहीं है, उसका स्मूथनेस चेक कर लीजिए। ज़्यादा ग्रूव होने के बाद एक शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है, तो बेटर है उसको अवॉइड करें आप। इस कंडीशन पे ये वाला जो लास्ट वाला कार्बन है, कार्बन ब्रश है, वो ज़्यादा डिटोरिएट हो गया, ज़्यादा रब हो गया है, तो उसे हम चेंज करेंगे। चेंज करने का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रश कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट्स और वो फाइनली होल्डर में जाके फिक्स किया जाता है कार्बन ब्रश को। इसे रिमूव करके जो एक नया फ्रेश कार्बन ब्रश है उसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो उसका आप डायमेंशन देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। यहाँ पे देखिए जो ग्रूव का लास्ट पॉइंट है वहीं तक यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आप पहले रिप्लेस कर चुके हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड किया है सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जितने बाकी कार्बन ब्रशेस हैं उनका भी इंस्पेक्शन करें, उनका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है उसको कंपलसरी चेक करें। अगर स्प्रिंग मैकेनिज्म वीक है तो मोटर डेफिनेटली ट्रिप करेगा आपका, अगर कोई भी कार्बन ब्रश लूज है तो करंट इम्बैलेंस फॉल्ट पे ट्रिप होता है एसटी फीडर इन केस ऑफ एनी माइनर फॉल्ट इन कार्बन ब्रशेस उसके टाइटनेस में। सिंस एसटी में हम लोग बात कर रहे हैं करंट बहुत ज़्यादा रहता है अराउंड 775 एम्स, तो टाइटनेस का बिल्कुल ख्याल रखें आप इन एसटी में इवन एलटी मोटर्स। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया कार्बन ब्रश रिप्लेसमेंट। लास्टली जितने भी कवर्स हैं उसको आप क्लोज करें।
सो दैट एक्सटर्नल डस्ट ना जा सके, डस्ट और वाटर। आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज आरटीडी इंस्पेक्शन इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मोटर्स के आरटीडीज हैं, वाइंडिंग आरटीडीज, एंड यहाँ पे ड्राइव एंड का आरटीडी है, और सिमिलरली एक और केबल आप देख सकते हैं बैक साइड से, वो नॉन ड्राइव एंड के लिए गया है। तो उन सब में अगर कहीं पे किसी में प्रॉब्लम है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस रहते हैं ड्यूप्लेक्स और आरटीडी का जो इंस्पेक्शन है वो प्रोसीजर मोस्टली पता ही रहेगा आपको, बट स्टिल दो केबल्स में रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा आना चाहिए, 114-115 ओम्स एज पर टेम्परेचर, और एक शॉर्ट आना चाहिए जैसे कि हमने देखा 0.7। ये रहा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो, इफ़ नॉट प्लीज़ कमेंट करें अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।